दीपावली का त्यौहार जहां लोगों के लिए खुशियां, उमंगें और रोशनी लेकर आता है, वहीं दीपावली में उल्लुओं की जान खतरे में आ जाती है। ऐसा क्यों, बताएंगे आपको। पूरे देश में दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, वही हर्षोल्लास रामनगर में भी होता है, लेकिन दीपावली के मौके पर एक अंधविश्वास के चलते उल्लुओं की जान खतरे में आ जाती है। दरअसल अंधविश्वास के चलते कुछ लोग दिवाली पर तंत्र साधना और सिद्धि पाने के फेर में उल्लुओं की बलि देते हैं। अब फिर से दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है जहां उल्लुओं के सिर पर मौत मंडराने लगी है। आपको बता दें कि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत विलुप्त प्राय जीवों की श्रेणी में शामिल उल्लू संरक्षित प्राणी है। इसका शिकार या तस्करी करने पर कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक सजा का प्रावधान है। दुनिया में उल्लू की लगभग 225 प्रजातियां हैं। पूरे उत्तराखंड की बात करें तो यहां उल्लू की 19 प्रजातियां चिन्हित की गई हैं। विलुप्त हो रहे उल्लुओं के संरक्षण की चिंता बढ़ गई है। अब उल्लुओं की बलि रोकने के लिए प्रशासन ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इसके साथ साथ कर्मचारियों को गश्त के लिए भी लगातार भेजा जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि विशेष परिस्थितियों में जंगलों में गश्त करने वाले कर्मचारियों को छुट्टी दी जाएगी, जिसकी जानकारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर ने दी। देखिए, दिवाली के दौरान और उसके आसपास के जो जो समय है, ये बहुत संवेदनशील समय होता है, जिस समय विशेषकर उल्लुओं के शिकार की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में एक विशेष सतर्कता अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें हमारी जो सदर्न बाउंड्री है और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी सघन निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ जो उन क्षेत्रों में बाहर से आने वाले व्यक्ति जो वहाँ रुक रहे हैं उनकी भी निगरानी इसमें की जाएगी। इसके साथ साथ विशेष गश्त जो है, रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है, जिसमें हमारा स्थानीय स्टाफ रिज पेट्रोलिंग भी इस समय कर रहा है। तो वृहद स्तर पर एक अभियान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है, जिसमें कि अवैध शिकार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और इस तरह की कोई भी प्रयास को विफल किया जा सके। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जो वनाधिकारी हैं, जो वन विभाग के कर्मचारी हैं, उनके साथ संयुक्त अभियान वृहद स्तर पर इसमें चलाया जाए। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कई प्रकार की प्रजातियों के उल्लू पाए जाते हैं। अब लगातार ही कॉर्बेट पार्क की सघन बाउंड्रीज पर वन कर्मियों की गश्त जारी है। कड़ी निगरानी करते हुए पार्क की चारों ओर वन कर्मी घूम रहे हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन और अन्य साधनों के तहत लगातार गश्त की जा रही है। उल्लुओं की हिफाजत के लिए कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द हो गई है। ऐसे में उल्लू के लिए बड़ी राहत हो सकती है। लोगों को भी ये सोचना चाहिए, ऐसा अंधविश्वास नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी प्राणी या जीव की जान चली जाए। हल्द्वानी से राहुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।